नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 3 दिवसीय किसान मेला सब प्रदर्शनी का हुआ समापन। कृषि मंत्री ने बेहतर उत्पाद करने वाले किसानों को किया सम्मानित। संपत्ति विवाद को लेकर नाती ने कुल्हाड़ी से मारकर नाना की हत्या। आरोपी नाती गिरफ्तार। किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को बनाई जाएगी मानव श्रृंखला। तेजस्वी समेत कई नेता होंगे शामिल। तैयारी पूरी। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मुकदमा दर्ज किए जाने पर एबीवीपी ने जताई आपत्ति। प्रभारी कुलपति पर लगाया आरोप। और सड़क सुरक्षा माह को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने का किया गया मॉक ड्रिल। अब समाचार विस्तार से। आत्मा भागलपुर की ओर से कृषि कार्यालय परिसर में आयोजित 3 दिवसीय किसान मेला सह उद्यान पशु और मत्स्य प्रदर्शनी प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को पुरस्कार वितरण कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने जिले के अग्रणी किसानों को पुरस्कृत किया। कृषि मंत्री ने राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्नत किसानों के साथ कृषि वैज्ञानिकों और विभाग के अधिकारियों से बात कर सुझाव लिया, जिससे आने वाले समय में बिहार समृद्ध और विकसित राज्य बन सके। वहीं इससे पूर्व मंत्री ने प्रदर्शनी का निरीक्षण कर इस पहल की सराहना की। मौके पर कृषि विभाग के पदाधिकारियों के साथ काफी संख्या में किसान, कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। सरकार एक संगठन के रूप में, संगठित रूप में किसान इस प्रकार से खेती करेंगे, छोटे छोटे किसानों को इससे बहुत लाभ होगा। पहला लाभ तो ये होगा कि जो निराशाजनक स्थिति है, जो लाभकारी नहीं है खेती उनके लिए इतने कम जमीन, तो लाभकारी सिद्ध हो जाएगी, उनकी आय बढ़ जाएगी। बांका खेसर थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा टोला में 80 वर्षीय वृद्ध मीना लाल शर्मा की हत्या उनके ही नाती रोहित शर्मा ने कर दी। मामले को लेकर बताया गया कि रोहित ने अपने नाना के सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर उनकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही खेसर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर रोहित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। घटना के पीछे जमीन, जगह व संपत्ति का मामला बताया जा रहा है। रोहित ने पुलिस को बताया कि उसके नाना मीना लाल शर्मा उनकी माँ की बातों पर चलता था, इसीलिए उसने नाना की हत्या कर दी। बता दें कि रोहित शर्मा नाना की सारी संपत्ति अपने नाम करने के लिए पहले भी कई बार मारपीट कर चुका है। जमीन की लालच में रोहित ने बुधवार की रात अपने नाना मीनालाल शर्मा की सोए अवस्था में कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर दी। मृतक की पत्नी 75 वर्षीय पावो देवी का रो रो कर बुरा हाल है। घटना को लेकर यहां के ग्रामीण हतप्रभ हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शनिवार को मानव श्रृंखला में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक महागठबंधन के सभी दल इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। इसको लेकर आज तेजस्वी यादव ने पटना में पार्टी से जुड़े नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। साथ ही कहा कि कृषि कानून देश की लगभग 80% आबादी को प्रभावित करता है। इधर मानव श्रृंखला को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि महागठबंधन के लोग मजबूती से किसानों के साथ खड़े हैं। साथ ही भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा ने बताया कि किसानों के समर्थन में तेजस्वी यादव सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करेंगे। शहर में मानव श्रृंखला को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। विधायक ने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता खलीपाबाग चौक से तिलका मांझी चौक तक कतारबद्ध रहेंगे। भागलपुर के हड़िया पट्टी स्थित एबीवीपी कार्यालय में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्वविद्यालय संयोजक संजय कुमार झा ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति संजय कुमार चौधरी पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि 22 जनवरी को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सिंडिकेट की बैठक का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध किया था और किसी प्रकार की हिंसा या कुलपति के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया था। बावजूद इसके टीएमबीयू प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन करने वाले 30 एबीवीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। संजय झा ने कहा कि प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय चौधरी, टीएनबी कॉलेज, मुरारका कॉलेज, जेपी विश्वविद्यालय समेत कई जगहों पर भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, लेकिन नियम के विरुद्ध इन्हें प्रभारी कुलपति बना दिया गया। साथ ही तल्ख लहजे में कहा कि यदि भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहना गलत है तो एबीवीपी ऐसी गलती हर बार करेगी। पिछले 22 तारीख को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक आयोजित थी। उस बैठक का हम लोगों ने विरोध किया। उस बैठक में जो माननीय कुलपति संजय चौधरी जी के द्वारा वो बैठक आयोजित की गई थी,
तो माननीय कुलपति जी भ्रष्ट है, पूरी दुनिया और पूरा भागलपुर जानता है। तो माननीय कुलपति जी और उस बैठक के विरोध में हम लोगों ने प्रशासनिक भवन के सामने मुख्य द्वार के पास हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया, और दो दिन के बाद हम लोगों को प्रेस के माध्यम से पता चला कि हम लोगों के ऊपर और हमारे 30 कार्यकर्ताओं के ऊपर केस हो चुका है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत आज भागलपुर तिलका मांझी चौक के समीप जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क सुरक्षा पर काम करने वाली संस्था जीवन जागृति सोसाइटी के सदस्यों ने डेमो के माध्यम से रोड एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने का संदेश दिया, साथ ही वाहन चालकों को यातायात के नियम भी बताए। कार्यक्रम में बाइक चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के फायदे और जीवन रक्षा के बारे में जानकारी दी गई। वहीं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने सड़क दुर्घटना में घायलों को मदद करने के साथ CPR पद्धति के बारे में भी जानकारी दी। सोसाइटी के अध्यक्ष ने कहा कि वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन कर सड़क हादसों में कमी लाई जा सकती है। सोसाइटी जो सड़क दुर्घटना पर लगातार काम करती है, आज नुक्कड़ नाटक खेला गया और इसके माध्यम से अभी आपने देखा होगा कि एक एक्सीडेंट का व्यक्ति गिरा हुआ है, लेकिन कोई भी उसको उठाने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों ने ये बैनर और इस नाटक के द्वारा ये दर्शाया अभी भी लोग जागरूक नहीं हुए हैं और सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को देखते हैं और निकल जाते हैं या देखते हैं और फोटो खींचते रहते हैं। ये कब तक चलेगा, कब तक इस तरह से अमानवीय व्यवहार करते रहेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, non-AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर मोक्षदा स्कूल के समीप मशाकचक भागलपुर बिहार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर माड़वाड़ी कॉलेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट की ओर से आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पुद्दार को भावभीनी विदाई दी गई। बता दें कि डॉक्टर पुद्दार 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। विदाई समारोह के अवसर पर डॉक्टर शाहिद रजा जमाल, डॉक्टर राम सेवक सिंह, डॉक्टर अवधेश रजक समेत कई शिक्षक और छात्र छात्राओं ने प्राचार्य के कार्यों की प्रशंसा की। वहीं प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पुद्दार ने कहा कि वह भले ही प्रिंसिपल पद से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन वे आजीवन शिक्षण कार्य से जुड़े रहेंगे। वहीं इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर शरद चंद्र राय ने कहा कि प्रिंसिपल डॉक्टर गुरुदेव पुद्दार ने अपने सेवा काल में माड़वाड़ी कॉलेज को एक अलग पहचान दिलाई है। आज विदाई समारोह है डॉक्टर प्रोफेसर गुरुदेव बाबू का, जो हमारे यहाँ प्रोफेसर इंचार्ज हैं, और इनके सफल नेतृत्व में हमारा कॉलेज विकास करता रहा है और भविष्य में जो आने वाले हमारे प्रधानाचार्य होंगे वो भी विकास में अपनी भागीदारी देंगे। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड ने जिलों के मुख्य जिला प्रवक्ताओं की सूची शुक्रवार को जारी कर दी, जिसमें दीपू भुवानिया को भागलपुर का मुख्य जिला प्रवक्ता बनाया गया है। वहीं जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपू भुवानिया को जिला प्रवक्ता बनाए जाने पर युवा जदयू के राष्ट्रीय सचिव राकेश कुमार ओझा, सुड्डू साई, संजय शाह समेत पार्टी से जुड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी है। बता दें कि दीपक भुवानिया भागलपुर नगर निगम के पूर्व मेयर भी हैं। इधर मुख्य प्रवक्ता बनाए जाने पर दीपू भुवानिया ने कहा कि पार्टी की ओर से उन्हें जो दायित्व सौंपा गया है उसका वह ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। सर्वप्रथम संदर्भ में हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी पार्टी में भागलपुर के लिए मुख्य प्रवक्ता का पद दिया है। तो मुझे जो भी पार्टी की ओर से जिम्मेदारी दी जाएगी, जो भी कार्य कहा जाएगा, मैं उसे हमेशा मन से करूँगा और जिम्मेदारी का निर्वहन जो है एकदम कर्तव्य के साथ करूंगा।
भागलपुर सुल्तानगंज असियाचक पंचायत के नोनसर पैक्स का जायजा लेने डीसीएलआर गिरिजेश कुमार शुक्रवार को सुल्तानगंज पहुंचे। इस दौरान डीसीएलआर ने किसानों से पूछताछ करते हुए पैक्स के अध्यक्ष व बीसीओ से धान की प्राप्ति की जानकारी ली और संबंधित कागजातों का जांच पड़ताल भी किया। इस दौरान डीसीएलआर गिरिजेश कुमार ने मीडिया को बताया कि 40% धान का टारगेट किया गया है, जबकि 57,130 क्विंटल का लक्ष्य था, जिसमें अभी तक 22,395 क्विंटल की खरीद हो चुकी है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कर्मचारी विनय कुमार मिश्रा और अवर प्रमंडल 3 के कर्मियों की सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह का आयोजन जिला अतिथि गृह में शुक्रवार को किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अभियंता रमन झा, कार्यपालक अभियंता सुभाष कुमार सिन्हा और सहायक अभियंता अंजनी कुमार ने किया। कार्यक्रम को जिलाध्यक्ष नकुल कुमार सिन्हा व जिला सचिव श्याम नंदन सिंह ने भी संबोधित किया। इस दौरान विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने विनय मिश्रा के सेवाकाल की सराहना की। आज हमारे कर्मचारी श्री विनय कुमार मिश्र जी का विदाई से सम्मान समारोह है। ये चूँकि इनका कार्यक्रम 30 तारीख को हुआ है और ये बहुत अच्छे कर्मचारी रहे हैं, संगठन से जुड़े रहे हैं और कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण के लिए संगठन के माध्यम से उनसे तत्पर रहे हैं और जिनकी भी समस्या होता था ऑफिशियल मंडल में या पर्सनल भी, इन्होंने दोनों स्तर पे कर्मचारियों का ख्याल रखा। भारत माता सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में योगीवीर पहाड़ ईश्वरीपुर बाराहाट श्री सिद्धपीठ बाबा योगीवीर योग शक्ति धाम में होने वाले वार्षिक स्थापना दिवस व विश्व कल्याण के लिए महायज्ञ में कई प्रांतों से भक्त उपस्थित होंगे। साथ ही संत सम्मेलन व विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा, जिसको लेकर पहाड़ के महंत आचार्य माई जी महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी क्षेत्रवासियों को आमंत्रित किया है। वहीं स्काउट के जिला प्रशिक्षक मुकेश आजाद ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी स्काउट गाइड के बच्चे सेवा देंगे। अंत में चलते चलते एक नजर फिर से डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 3 दिवसीय किसान मेला सब प्रदर्शनी का हुआ समापन, कृषि मंत्री ने बेहतर उत्पाद करने वाले किसानों को किया सम्मानित। संपत्ति विवाद को लेकर नाती ने कुल्हाड़ी से मारकर नाना की हत्या, आरोपी नाती गिरफ्तार। किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को बनाई जाएगी मानव श्रृंखला, तेजस्वी समेत कई नेता होंगे शामिल, तैयारी पूरी। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मुकदमा दर्ज किए जाने पर एबीवीपी ने जताई आपत्ति, प्रभारी कुलपति पर लगाया आरोप। और सड़क सुरक्षा माह को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान, घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने का किया गया मॉक ड्रिल। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।